हेलो बच्चों, ये मेरा डेरिवेटिव का सिक्स वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे 31। वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर ऑल ओवर रूट। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वाई इज इक्वल टू, स्टेटमेंट लिखिए, माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। तो ये क्वेश्चन भी हम लॉग से करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर रेज टू द पावर 1/2। तो आप लिख सकते हो इसे लॉग y इज इक्वल टू 1/2 लॉग x माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स माइनस फोर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग का डेरिवेशन 1 अपॉन x माइनस वन, और x माइनस वन का डेरिवेशन 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस टू, और x माइनस टू का डेरिवेशन 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस थ्री एंड 1 अपॉन x माइनस फोर। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको ऊपर से इरेज कर दें इसको। तो यहाँ हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू y अपॉन टू 1 अपॉन x माइनस वन प्लस 1 अपॉन x माइनस टू प्लस 1 अपॉन x माइनस थ्री प्लस 1 अपॉन x माइनस फोर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, यहाँ वाई का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर अपॉन टू, और ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस वन प्लस 1 अपॉन x माइनस टू, 1 अपॉन x माइनस थ्री, 1 अपॉन x माइनस फोर। दैट इज़ अ आंसर। नोट कीजिए, नीचे से रेज कर देते हैं इसको। नोट कर लिया, इसे भी रेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू रूट थ्री रेज टू द पावर एक्स प्लस रूट थ्री रेज टू द पावर एक्स प्लस रूट थ्री रेज टू द पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वाई इज इक्वल टू रूट थ्री रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई। मान लो कि यह समुंदर है, समुंदर में से हमने एक बाल्टी या एक गिलास पानी का निकाल लिया, तो पीछे भी हमारे पास समुंदर ही बचेगा। तो वाई इज इक्वल टू थ्री रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स थ्री रेज टू द पावर एक्स लॉग थ्री प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को शिफ्ट कीजिए, ऊपर से रेज कर दें इसको। नोट कर लिया, तो 2y-1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू थ्री रेज टू द पावर एक्स लॉग थ्री। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू थ्री रेज टू द पावर एक्स लॉग थ्री अपॉन 2y-1। नीचे से रेज कर रहे हैं इसको, नोट कीजिए इसको। दैट इज़ अ आंसर। नोट कर लिया, रेज कर दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स रेज टू द पावर अप टू इन्फिनिटी। तो प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर टेंजेंट एक्स अपॉन 1 - y लॉग कॉस एक्स। तो वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू द पावर वाई, जो हमने पिछली एग्जाम्पल में किया था
तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग वाई इज इक्वल टू वाई लॉग कॉस एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का डेरिवेशन वन अपॉन वाई और वाई का डेरिवेशन डी वाई अपॉन डी एक्स, और लॉग कॉस एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़, और लॉग का डेरिवेशन वन अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इरेज कर दें ऊपर से। तो यहाँ हमारे पास वन अपॉन वाई माइनस लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू माइनस वाई साइन अपॉन कॉस टेंजेंट एक्स। तो नीचे से इरेज कर देते हैं इसको। तो हमारे पास वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टेंजेंट एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर टेंजेंट एक्स अपॉन वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, दैट हैंस प्रूव। नोट कीजिए इसको भी, नोट कर लिया, इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y, शो दैट dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स ब्रैकेट वन माइनस वाई लॉग एक्स। तो इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि कई बच्चे जो हैं वो मुझे ये पूछते हैं कि इसमें मेथड कौन सा लगेगा। तो जो मेथड है, किसी भी क्वेश्चन को देखकर आप सीधे पता नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे किए हुए क्वेश्चंस को दोबारा करोगे और उसके सेम एग्जांपल्स या सेम क्वेश्चंस बुक में से निकाल के करोगे, और बुक में से बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं वो भी करोगे, तो आपको समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन पर आपने कौन सा मेथड लगा के उसे शुरू करना है। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू y log x, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएट वन अपॉन y log का डिफ्रेंशिएशन और y का डिफ्रेंशिएशन dy वाई अपॉन डी एक्स, तो y log x का डेरिवेशन 1 अपॉन x, x का डेरिवेशन 1 प्लस log x और y का डेरिवेशन dy वाई अपॉन डी एक्स। तो ऊपर से रेज कर दें इसको। तो 1 अपॉन y dy वाई अपॉन डी एक्स माइनस log x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो नीचे से इरेज कर रहे हैं इसको। तो वन माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स वन माइनस वाई लॉग एक्स, दैट इज आंसर, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमको।